नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी पापों के प्रायश्चित के लिए विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन श्री हरि के भजन, ध्यान और कीर्तन के से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस बार योगिनी एकादशी 23 जून रात्रि 9:41 से लेकर 24 जून रात्रि 11:12 तक है। इसके बाद 25 जून सुबह 5:51 से 8:31 तक इसका पारण समय है। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह व्रत को रखने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदुओं में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। हर महीने में दो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी में भक्त भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर व्रत रखते हैं और पूजा में व्रत कथा सुनते हैं। इस बार योगिनी एकादशी का सर्वार्थ योग और सिद्धि योग बन रहा है, जो पूजा की दृष्टि से बेहद लाभकारी है। योगिनी एकादशी का महत्व, जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके समस्त पाप मिट जाते हैं। योगिनी एकादशी व्रत करने से मृत्यु के बाद नरक लोक में कष्टों को नहीं भोगना पड़ता है। जो भक्त एकादशी के व्रत रखते हैं उनको मृत्यु के बाद यमदूत नहीं देवदूत लेने आते हैं। उस व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी में व्रत के पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने का पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं योगिनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प ले। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक बेदी बनाकर उस पर सात धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। बेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। उस बेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल और ऋतु फल और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय सोएं नहीं बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद खुद भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। तो चलिए जान लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत के नियम। योगिनी एकादशी व्रत करने वालों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत करने वालों को किसी से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस व्रत को करते समय व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जमीन पर आराम करना चाहिए। योगिनी एकादशी का व्रत करने वालों को व्रत के समय से जब तक इसका पारण न हो जाए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजा के समय योगिनी एकादशी व्रत कथा को सुनने या पढ़ने से भी पाप मिटते हैं। जो लोग योगिनी एकादशी व्रत रहेंगे वो योगिनी एकादशी व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी क्या है, उसकी महत्व क्या है, इसके बारे में मुझे बताने का कष्ट करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। ये व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके पुण्य प्रभाव से मृत्यु लोक में मुक्ति प्राप्त होती है। इसकी कथा इस प्रकार है। अलकापुरी में कुबेर नाम के राजा रहते थे। वह प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा करते थे। एक माली हेम हर दिन पूजा के लिए फूल लेकर आता था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। एक दिन वह फूल लेकर आया, लेकिन पत्नी की सुंदरता के वशीभूत होकर काम वासना में लिप्त हो गया। उधर राजा पूजा के लिए फूल की प्रतीक्षा करते रहे। दोपहर जब
माली नहीं आया तो राजा ने सैनिकों को उसका पता लगाने को कहा। तब सैनिकों ने कहा कि वह कामी है, वह पत्नी के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। इस पर राजा ने उसे तत्काल बुलाने को कहा। वह डरते हुए राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। क्रोधित राजा कुबेर ने उस माली से कहा कि तुमने भगवान शिव का अनादर किया है। कुबेर ने उसे श्राप दिया और कहा, जा पृथ्वी लोक पर कोढ़ी बनकर रहेगा और पत्नी का वियोग सहन करेगा। श्राप के कारण माली हेम स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर गिर गया। उसे कोढ़ हो गया, उसकी पत्नी भी गायब हो गई। वह भूख प्यास से जंगल में भटकता रहा। उसने भयंकर दुख भोगे। एक दिन वह मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह उस ऋषि के चरणों में दंडवत हो गया। तब ऋषि ने उससे पूछा कि इतना कष्ट भोगने का क्या कारण है, ऐसे तुमने कौन से कर्म किए थे। तब उस हेम माली ने पूरी घटना उनको बताई। तब ऋषि ने कहा, तुमने सत्य घटना के बारे में बताया है, इसलिए तुमको एक व्रत के बारे में बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी योगिनी एकादशी व्रत को करोगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के बताए अनुसार हेम माली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी व्रत किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप मिट गए और वह पहले के स्वरूप में आ गया। उसकी पत्नी भी प्राप्त हो गई। वह सुखी पूर्वक अपने जीवन व्यतीत करने लगा। तो इसी प्रकार कथा कहने और सुनने वाले सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। इस पूजा से भगवान विष्णु आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करेंगे, वहीं माता लक्ष्मी आपके धन के भंडार को भी भरेंगी। तो ये थी योगिनी एकादशी के महत्व, नियम और पूजा विधि की जानकारी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।